हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक चाइना सीआरटी टीवी किट है जो यूनिवर्सल किट है, और ये तोशिबा HAV22, ये 8873 जो हमारी सीपीयू आईसी है, इसके विषय में आज हम आप लोगों को कुछ बताएंगे। और इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और हमारी किस किस पिन पे कौन सा ऑप्शन होता है, ये हम आपको बताएंगे। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो सीआरटी टीवी में हमारे फ्रेंड्स काम करते हैं या काम अभी सीख रहे हैं या सीखने के लिए बेकरार रहते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे, तो आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे कि शायद आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसा मिल जाए कि आप लोग जो है कुछ अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर सकें और अपने हुनर को पहचान सकें इस वीडियो के थ्रू। और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, जो हमारे नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, और हमारी यही उम्मीद रहती है कि हम लोगों को कुछ अच्छा नॉलेज दे सकें, और यही हमारा प्रयास रहता है। और हमारे चैनल की ये खासियत है कि जो ये हमारा चैनल पटवा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल है, और इसमें हम आपको टेक्निकल का ही ज्ञान देते हैं कि इससे हमारे फ्रेंड्स जो बन रहे हैं उनको अच्छा नॉलेज मिले, और नॉलेज मिलने के बाद वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, यही हमारा थ्रो रहता है। और ये हमारा फ्रंट साइड है जो आप आईसी सीपीयू आईसी देख रहे हैं, और चलते हैं इसको, हम आपको इसकी जानकारी देते हैं आज कि हम अगर फॉल्ट को ट्रेस करना चाहेंगे तो हम इसको कैसे ट्रेस करेंगे। और जब तक आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा आप लोग सीआरटी टीवी में काम नहीं कर पाएंगे, और जानकारी होगी तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हम फॉल्ट अगर आता है हमारी टीवी में तो हम इसको ट्रेस कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। हमारी तो यही उम्मीद रहती है कि हम आप लोगों को कुछ अच्छा नॉलेज दे सकें जिसकी वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और आज इसके हम फॉल्ट आपको ट्रेस करने के लिए सिखाएंगे कि हमारी सीपीयू आईसी किस प्रकार से काम करती है और इसमें वोल्टेज कैसे चलते हैं। और वोल्टेज तो हम आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, वोल्टेज भी चेक करके दिखाएंगे सीपीयू आईसी पे किस प्रकार से हमारे वोल्टेज आते हैं, और पल्स हमारे जो पल्स वोल्टेज होते हैं वो कैसे आते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। लेकिन आज जो हम इसके थ्रू में आपको सीपीयू आईसी के कुछ डेटा बताएंगे, जो हमारे डेटा इसमें होते हैं, ऑक्शन बोला जाता है, फंक्शन भी बोलते हैं उसको, कौन सी पिन पे कौन सा फंक्शन होता है, तभी आप लोग फॉल्ट ट्रेस कर पाएंगे। अगर बाई दफ़ा वीडियो नहीं आता है, कभी कभी क्या हो जाता है हमारा वीडियो इन करते हैं हम, ए बी आउट करते हैं, ए बी आउट करके इन करते हैं, तो हमारा कभी कभी वीडियो नहीं आता है, ऑडियो हमारा आया करता है, तो उस जब तक आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा कि हमारी कौन सी पिन है जो हमारा वीडियो का कार्य करती है और इस वीडियो आउट करती है या इन करती है, तब तक आप लोग इस पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आप लोगों को कुछ बताएंगे कि हमारी कौन कौन सी पिन पे कौन सा इसमें ऑप्शन होता है, ये हम आपको बताएंगे। ये हमारी पिन नंबर आप देख रहे होंगे, ये पहली पिन है, इसमें यू वी ऑप्शन है। और दूसरी नंबर पिन पर हमारी ये जो दूसरी पिन देख रहे हैं आप, इसमें L/H ये ऑप्शन होता है। और तीसरी नंबर पिन पर जो आप ये देख रहे हैं इस पे हमारी काई होती है, जो हमारी जो बटन लगी होती है इसमें, चैनल वॉल्यूम और म्यूट और ये AV, और यही जो बटने होती हैं हमारी ये 3 पिन पे से काम करती हैं, जो कि ऑप्शन होता है इसका। और फिर उसके बाद हमारी चौथी नंबर पिन ग्राउंड होती है, जो कि ग्राउंड से जुड़ी होती है। और उसके बाद पांचवी नंबर पिन जो होती है वो हमारी रेस्ट होती है, रेस्ट जिसे रेस्ट फंक्शन कहा जाता है, उसमें रेस्ट करती है। और उसके बाद 6 नंबर पिन पर हमारी जो होता है वो होता है के टेल, और हमारी
सातवीं नंबर पिन पर भी केटल पाया जाता है, और आठवीं नंबर पिन पर हमारी जो ये आठवीं नंबर पिन देख रहे हैं आप, ये इस पे टेस्ट टेस्ट होता है। और इस जगह पे नाइन पिन है, ये दिख रही होगी आपको, इसमें फाइव वोल्ट जो डीसी वोल्ट होता है वो फाइव वोल्ट से कन्वर्ट होती है हमारी नाइन नंबर पिन। और जो टेन नंबर पिन है, ये हमारी टेन नंबर पिन है, ये पिन है, ये इस ग्राउंड ग्राउंड होता है इसमें। और एलेवन नंबर भी ग्राउंड होता है, जो ये एलेवन है हमारा, ये भी ग्राउंड है। और बारहवीं नंबर पिन जो हमारी ये है, इस पे हम एफ बी पी बटे आई एन एस सी पी आउट, ये हमारी एलेवन नंबर ट्वेल्व नंबर की पिन है। और हमारी जो थर्टीन नंबर की पिन है, उस पे एच आउट मतलब हॉरिजॉन्टल आउट, ये हमारी पिन है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फोर्टीन नंबर की पिन है, जो एच ए एफ सी, इसमें ये ऑप्शन होता है। और ये हमारी जो फिफ्टीन देख रहे होंगे आप, ये फिफ्टीन नंबर की पिन है, ये इसमें वी बटे एस ए डब्लू, ये ऑप्शन होता है। और हमारी जो सिक्सटीन नंबर पिन है, इस पे वी आउट मतलब वीडियो आउट, ये हमारे कुछ ऑप्शन होते हैं आईसी में जो आपको समझने होंगे। और हमारी सेवनटीन नंबर पिन जो है, उस पे एच वी सी सी एट वोल्ट, एच वी सी सी एट वोल्ट मतलब यहाँ पर हमें एट वोल्ट मिलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वी सी सी एट वोल्ट। और ये जो एटीन नंबर की पिन है आप देख रहे होंगे, इस पे ग्राउंड है। और ये नाइनटीन नंबर जो पिन है, इस पे सी बी। और जो ट्वेंटी नंबर की पिन है, ये हमारी ये ट्वेंटी नंबर पिन देख रहे होंगे आप, इस पे वीडियो इन मतलब वी इन, हमारा वीडियो जो इन होता है, हमारी ये ट्वेंटी नंबर पिन पर इन होगा। और हमारी ट्वेंटी वन नंबर की पिन जो है, वो इस पे जो है सी आर, ये हमारा ऑप्शन है। और ट्वेंटी टू नंबर पिन पर हमारी जो ई एक्स टी ऑडियो वन, एक्स्ट ऑडियो वन मतलब हमारा ऑडियो वन 22 नंबर पे है। और 23 नंबर पिन पे हमारे सी इन मतलब सिग्नल इन, जो हमारा वीडियो इन होता है इसके अंदर, वो उसको सी इन लिखा होता है। इसके वजह से आप इसको समझ सकते हैं कि सी ई सी आई एन इन मतलब ये हमारी सिग्नल पिन हो गई 23 नंबर। और हम चलते हैं 24 नंबर पे, ये हमारा 24 नंबर हुआ। इस पे 24 नंबर पे जो हमारी ई एक्स टी इन एक्सट इन, ये पिन पे हमारा ये ऑप्शन होता है। और ये जो 25 नंबर देख रहे हैं आप, इस पे हमारा ए एल सी फिल्टर, इस जगह पे हमारे फिल्टर से ये फिल्टर होता है, ये फिल्टर की पिन के लिए थ्रू माना जाता है। और ये 26 नंबर पिन जो है हमारी, ये टी वी इन वन वी पी बटे पी, ये हमारा ऑप्शन होता है। और 27 नंबर पिन जो है हमारी, 27 नंबर पिन पे, 27 पिन नंबर पे ए बी सी एल बटे इन, ये हमारा ऑप्शन होता है। और 28 नंबर पे हमारी पिन जो है, वो ऑडियो आउट वन मतलब इस जगह से हमारा ऑडियो आउट होता है। और 29 पिन पे ऑडियो आउट, जो कि वन और टू चैनल का ऑडियो होता है इस आईसी में। और हमारी पिन नंबर 30 पे टीवी आउट, ये टीवी आउट टू वी पी बटे पी, ये हमारी 30 नंबर पिन पर है। और 31 नंबर पिन पर हमारी जो है ऑप्शन होता है एस आई एफ आउट। और 32 नंबर पिन पे हमारा जो ऑप्शन होता है एक्स्ट ऑडियो टू, ये
आपने 32 नंबर की पिन से, हम 1 पिन से लेकर आपको 32 पिन तक हमने ऑप्शन आपको बता दिए हैं। ये ऑप्शन आपको बहुत अनिवार्य होंगे अगर आप इस सिस्टम आईसी या हमारी सीपीयू आईसी कही जाती है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं जो हमारा 33 पिन है। इस पे हमारे इस पे सिग्नल क्या होगा, SIF IN, ये हमारा 33 पिन है। और ये 34 पिन पर हमारा सिग्नल क्या आएगा, DC/NF, DC/NF ये हमारा सिग्नल होगा। और 35 पिन पे हमारा वोल्टेज क्या होगा ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन होगा PIF/PLL, ये हमारा ऑप्शन होगा ये। और हमारा 36 पिन पे क्या होगा, IF VCC 5 वोल्ट, इस जगह में 5 वोल्ट मिलने चाहिए, VCC वोल्ट है ये। और ये हमारा 37 पिन पे हमें S/REGF, ये हमारा ऑप्शन होगा। और हमारा 38 पिन पे ऑडियो मॉनिटर, ये हमारी ऑडियो मॉनिटर 38 पिन पे है। और हमारी 39 पिन पर जो ऑप्शन होगा वो होगा IF/AGC, ये हमारा ऑप्शन होगा। और हमारा 14 पिन पे जो होगा ऑप्शन वो होगा IF ग्राउंड, ये हमारा। और हमारा 41 पिन पर IF/IN, ये हमारा ऑप्शन होगा। और हमारा ये जो 42 पिन पे IFN होगा ऑप्शन। और हमारा 44 पिन पे ब्लैक डेट ये ऑप्शन होगा। और हमारा 45 पिन पे जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा मॉनिटर आउट। और 46 पिन पे हमारा वोल्टेज होगा, वो ऑप्शन होगा APCIIL, APCFIL, ये हमारा ऑप्शन होगा। और हमारा 47 पिन पे जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा हमारा YC 5 वोल्ट, ये हमारा 5 वोल्ट होगा 47 पिन पे। और 48 पिन पे हमारा होगा सैनिक आउट, सिंक आउट, मतलब ये सिंक आउट है। और 49 पिन पे हमारा जो होगा ऑप्शन वो होगा DVCC 33 वोल्ट, ये हमारा होगा। और ये हमारा 15 नंबर की जो पिन है इस पे आर आउट मतलब रेड आउट, ये हमारा जो कलर के लिए होता है ये पिन, 15 वोल्ट 15 नंबर। और 51 नंबर पर हमारा होगा जी आउट। और 53 नंबर पे हमारा होगा, 52 नंबर पे हमारा होगा बी आउट, 52 नंबर पे बी आउट। और हमारा 53 53 डी ग्राउंड, 53 नंबर पे डी ग्राउंड। और ये 44 पिन पे हमारा क्या होगा, 44 पिन पे हमारा होगा ग्राउंड, इस जगह ग्राउंड है। और 55 55 55 पे हमारा क्या होगा, 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है। और 56 ऑप्शन पे हमारी पिन पे क्या होगा ऑप्शन, ये 56 AB/SV, ये 56 पर होगा। और 57 पे क्या होगा हमारा SDA। और 58 पिन पे क्या होगा हमारा
SCL और 59 पिन पे क्या होगा हमारा 50/60HZ, और 16 पिन पे क्या होगा हमारा, 16 पिन पे हमारा क्या होगा VT, और 61 पिन पे क्या होगा हमारा, 61 पिन पे हमारा क्या होगा म्यूट, और 62 पिन पे क्या होगा रहा ऑप्शन हमारा, ये जो है 62 पर क्या होगा, ये हमारा टीवी सिंक होगा, और 63 पिन पे हमारा RMIN, RMIN, और हमारी जो पिन है वो 64 नंबर की जो है वो पावर की पिन होती है, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 64 पिन पावर। ये हमने आपको इसका डेटा बता दिया है आईसी का, और इस प्रकार से आप अगर इसको फॉल्ट निकालेंगे तो आपका फॉल्ट बहुत जल्दी निकलेगा। ये आपको जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, और हम आपके लिए यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें, और हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे पटवा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पर आते रहें। धन्यवाद।